गरीबी और बेरोजगारी भारतीय युवाओं के लिए कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही वो लाइलाज बीमारी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यूं तो इस समस्या को लेकर हर पीढ़ी के युवाओं ने तत्कालीन सरकार तक अपनी पुरजोर आवाजें पहुंचाई, लेकिन सरकार हर बार किसी भैंस की मानिंद बैठी जुगाली करती रही और युवाओं की आवाजें केवल बिन से निकले चंद धुन ही साबित हुए। खैर, युवाओं के इस गरीबी और बेरोजगारी पर सरकारों ने भले ही ध्यान न दिया हो, पर अपने अपने दौर के कई फिल्मकारों ने इन ज्वलंत मुद्दों पर फिल्मों के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दी। साल 1986 की फिल्म अंकुश भी इसी कड़ी का हिस्सा रही थी। चल बच्चे, चल तेरी ट्रक पीछे ले ले, गणपति तेरा या मेरा है एक ही, और डूबेगा भी एक ही पानी में। ताकि वो हमेशा ऐसे जुल्म करते रहे। उन्हें सजा मिलेगी पर तुम नहीं दोगे। आपसे प्रार्थना करते हैं, आप एक ऐसा अंकुश लाइए जो इस नफरत को मिटा दे। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता। शिल्पा मौलीज इंटरनेशनल के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था सुभाष आर दुरक्कर और एन चंद्रा ने, तथा इसमें निर्देशन, कहानी लेखन व पटकथा लेखन भी एन चंद्रा का ही था। इस फिल्म के संवाद लिखे थे सैयद सुल्तान और एन चंद्रा ने, तथा इसे रिलीज किया गया था 21 जुलाई 1986 को। तकरीबन 2 घंटे 29 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म के प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे नाना पाटेकर, मदन जैन, अर्जुन चक्रवर्ती, सुहास पलसीकर, निशा सिंह, राबिया अमीन, महावीर शाह, राजा बुंदेला, दिनेश कौशिक, सत्यजीत, आशालता बाबगांवकर, राजजुत सिंह आदि। संगीतकार कुलदीप सिंह और गीतकार अभिलाष के साझे मेहनत से तैयार किए हुए कुल 4 गाने फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल थे, हे ऊपर वाला क्या मांगेगा, आया मजा दिलदारा, और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत, इतनी शक्ति हमें देना दाता के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी आवाज दी थी अशोक खोसला, मुरलीधर गोड़े, घनश्याम वासवानी, शेखर सावकर, सुषमा श्रेष्ठ और पुष्पा पगधरे ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म अंकुश साल 1986 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के शीर्ष 20 में भी स्थान नहीं बना पाई थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 12 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 95 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल के शीर्ष 3 कमाओ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म कर्मा, जिसने 7 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म नगीना, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म आखिरी रास्ता, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सेमी हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म के लेखक व निर्देशक एन चंद्रा ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर क्लेपर बॉय साल 1972 में आई गुलजार साहब की लोकप्रिय फिल्म परिचय से किया था। आगे चलकर जब गुलजार साहब ने एन चंद्रा के हुनर को परखा, तो इन्हें अपनी फिल्मों में एडिटर का काम सौंप दिया। बहरहाल, जब एन चंद्रा ने बतौर निर्देशक अपनी फिल्म अंकुश बनाने की ठानी, तो साल 1971 में आई गुलजार साहब की ही एक फिल्म मेरे अपने से प्रेरणा लिया और इसी के थीम से मिलती जुलती एक कहानी को लिखा। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में नाना पाटेकर के द्वारा निभाए गए रविंद्र केलकर की भूमिका के लिए एन चंद्रा की पहली पसंद मशहूर मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी थे, लेकिन जब उन्हें फिल्म ऑफर की गई, तो उन्होंने बतौर फीस 30,000 रुपये की मांग कर डाली, जो कि एन चंद्रा के लिए एक बड़ी रकम थी। अतः उनके जगह पर नाना पाटेकर को केवल 10,000 रुपयों में ही साइन कर लिया गया। उन दिनों नाना को पेशगी के तौर पर 3,000 रुपये और फिल्म बिक जाने के बाद बाकी के 7,000 रुपये दिए गए थे। फैक्ट नंबर 4, फिल्म में रविंद्र केलकर की भूमिका के लिए एन चंद्रा की पहली पसंद रविंद्र महाजनी इसलिए थे क्योंकि उनकी शख्सियत काफी हद तक बॉलीवुड फिल्मों के सबसे हैंडसम विलेन और हीरो विनोद खन्ना साहब से मिलती जुलती थी। 80 के दशक में रविंद्र महाजनी को मराठी फिल्मों का विनोद खन्ना भी माना जाता था। अब आप कहेंगे कि इसमें विनोद खन्ना के जिक्र का क्या तुक बनता है।
दरअसल बात यह है कि एन चंद्रा ने मेरे अपने नामक जिस फिल्म से प्रेरणा लेकर अंकुश की कहानी लिखी थी, उस फिल्म के मुख्य अभिनेता विनोद खन्ना ही थे। अतः वो चाहते थे कि विनोद खन्ना ना सही पर उन्हीं के जैसे किसी अभिनेता को लिया जाए। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म के लिए जब एन चंद्रा ने प्रोड्यूसर तलाशना शुरू किया तो उस समय के सभी नामी ग्रामी प्रोड्यूसर्स ने यह कहते हुए फिल्म को बनाने से इनकार कर दिया कि इसकी कहानी में कोई दम नहीं है। खैर, अंत में एन चंद्रा को सुभाष आर दुरक्कर नामक एक फिल्म फाइनेंसर का सहारा मिला, लेकिन फिल्म अभी आधी भी नहीं बन पाई थी कि सुभाष आर दुरक्कर ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब मैं फिल्म के लिए एक भी रुपये खर्च करने की स्थिति में नहीं हूँ। ऐसे में एन चंद्रा ने अपने घर को बेच दिया और फिल्म को आगे बढ़ाया, लेकिन जल्द ही वो पैसे भी कम पड़ने लगे। इसके बाद एन चंद्रा की पत्नी और बहन ने अपने गहने बेचकर फिल्म को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन अब भी फिल्म पूरी नहीं हो पाई। खैर, अंत में नाना पाटेकर मदद को आगे आए और अपना घर गिरवी रखकर तकरीबन 2 लाख रुपए की रकम एन चंद्रा को दी, तब कहीं जाकर यह फिल्म पूरी हो पाई। हालांकि जब फिल्म कामयाब रही तो एन चंद्रा ने उनके सारे पैसे लौटा दिए, साथ ही उन्हें एक स्कूटर भी गिफ्ट किया था। फैक्ट नंबर 6, विडंबना देखिए कि एन चंद्रा जब बड़ी शिद्दत से फिल्म के लिए एक प्रोड्यूसर की तलाश कर रहे थे तो हर किसी ने मना कर दिया था, लेकिन जब फिल्म हिट रही तो उस दौर के दो जाने माने प्रोड्यूसर्स मनमोहन देसाई और पूर्ण चंद्र राव के बीच एन चंद्रा को अपनी फिल्मों के लिए बतौर निर्देशक साइन करने की होड़ सी मच गई। बकौल एन चंद्रा, उन्होंने मनमोहन देसाई की एक अनाम फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बन पाई। फैक्ट नंबर 7, बात करें फिल्म के गीत संगीत की तो इसका एक गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता इतना लोकप्रिय हुआ कि उन दिनों इसे पंजाब नेशनल बैंक समेत कई राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपना थीम सॉन्ग बना लिया था। इसके अलावा इस गीत की लोकप्रियता को इस बात से भी आंका जा सकता है कि आज भी इसे कई विद्यालयों की प्रार्थना के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसे अब तक कुल 8 भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। इस गीत को लेकर आज भी कई लोग इस संशय में रहते हैं कि यह कोई पौराणिक भजन है, न कि इसे पहली बार अंकुश फिल्म में प्रयोग किया गया था। फैक्ट नंबर 8, इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत के बारे में एन चंद्रा ने एक बार मजाकिया लहजे में कहा था कि दिल्ली में रहने वाले आधे से अधिक नेता लोग अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए इस गाने का कॉलर ट्यून जरूर रखते होंगे। चंद्रा आगे कहते हैं कि एक बार देहरादून में एक नेता ने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। उस दिन मिलने से पहले जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने भी इसी गाने को अपना कॉलर ट्यून बना रखा था। खैर, जब उस नेता से चंद्रा साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि नेताजी, क्या आपको पता है कि यह किस फिल्म का गीत है? नेताजी का जवाब चंद्रा साहब को पहले ही पता था कि वो कहेंगे मुझे नहीं पता है। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म का उन दिनों महाराष्ट्र में इतना ज्यादा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि उन दिनों बॉम्बे के तकरीबन सभी कॉटन मिल्स बंद हो गए थे, जिस कारण कई पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो गए और यह फिल्म उन्हें बिल्कुल अपनी कहानी सी लगी। इनके अलावा देश के अन्य बेरोजगार युवाओं को भी इस फिल्म के नायकों में अपने अक्ष नजर आए। आज तकरीबन 34 साल गुजर जाने के बाद भी फिल्म के किरदार और कहानी काफी हद तक लोगों को अपने से लगते हैं। फैक्ट नंबर 10, यूं तो फिल्म अंकुश साल 1971 की फिल्म मेरे अपने से प्रेरित होकर बनाई गई थी, लेकिन बाद में खुद इस फिल्म ने भी कई फिल्मों को न केवल प्रेरित किया बल्कि साल 1987 में इसे तमिल और कन्नड़ भाषा में रीमेक भी किया गया। इसके तमिल रीमेक का नाम था कविताई पाड़ा नेरा मिल्लाई और कन्नड़ रीमेक का नाम था रावण राज्य। फैक्ट नंबर 11, फिल्म अंकुश एन चंद्रा की बतौर निर्देशक न केवल डेब्यू फिल्म रही बल्कि उनके कैरियर की पहली हिट फिल्म भी साबित हुई। इस कामयाबी को एन चंद्रा ने अपनी अगली 2 अन्य फिल्मों तक भी जारी रखा और हिट फिल्मों की हैट्रिक बनाई। इस कड़ी की अगली 2 कामयाब फिल्में रही साल 1987 की प्रतिघात और 1988 की तेजाब।
फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म में बतौर संगीतकार कुलदीप सिंह को क्रेडिट दिया गया था, जो सामान्यतः गजलों के लिए माहिर माने जाते थे। इस फिल्म से पहले वो साल 1982 में आई फारूक शेख और दीप्ति नवल स्टारर फिल्म साथ साथ में संगीत दे चुके थे, जिसके तकरीबन सभी गाने जगजीत सिंह और उनकी पत्नी चित्रा सिंह ने गाए थे। फिल्म साथ साथ के सभी गाने अपने समय में काफी मकबूल भी हुए थे, जिनमें से कुछ गाने आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं, जैसे कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया और ये तेरा घर ये मेरा घर। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म के गीत लिखे थे गीतकार अभिलाष ने, जो कि उनका असली नाम नहीं था। दरअसल इनके लिखे गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान जब लता मंगेशकर ने गीतकार का नाम पूछा तो उन्हें बताया गया कि इसे ओम प्रकाश जी ने लिखा है। यह सुनकर वो चौंक पड़ी, क्योंकि चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश साहब कब से गीत लिखने लगे। बहरहाल लता मंगेशकर को जब बताया गया कि यह ओम प्रकाश वो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अरे इनके नाम ने तो मुझे सचमुच ही बड़े असमंजस में डाल दिया था। उस दिन संगीतकार महावीर जी ने ओम प्रकाश से इनका नाम बदलकर अभिलाष कर दिया। बताता चलूं कि इन्होंने तकरीबन 28 फिल्मों और 50 धारावाहिकों के लिए गीत लिखे थे। इनके लिखे कुछ अन्य मशहूर गीत हैं फिल्म रफ्तार का संसार है एक नदिया, फिल्म सावन के आने दो का, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा आदि। पिछले साल 2020 में लीवर संबंधी बीमारी के चलते 74 वर्ष की आयु में इस महान गीतकार ने दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह दिया। फैक्ट नंबर 14, कई फिल्म समीक्षकों का मानना था कि फिल्म अंकुश ने महाराष्ट्र में एक बेहद खराब ट्रेंड की शुरुआत की। इस फिल्म में उत्तर भारतीयों को खलनायक के रूप में दिखाया गया था, जिसके कारण यहाँ के मराठी मूल के लोगों के अवसर छिनते जा रहे हैं। ये फिल्म काफी हद तक उस समय की प्रचलित शिवसेना की विचारधारा से प्रभावित नजर आती है, जहाँ उत्तर भारतीय बनाम मराठी संघर्ष दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 15, साल 1986 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की ज्यूरी में जया बच्चन भी शामिल थीं। अपने एक इंटरव्यू में जया बच्चन बताती हैं कि फिल्म अंकुश को भी इस साल के राष्ट्रीय पुरस्कारों के नामांकन हेतु भेजा गया था, पर जया बच्चन फिल्म की काफी आलोचना करते हुए कहती हैं कि कई फिल्मकार आर्ट फिल्म के नाम पर अंधाधुंध हिंसा दिखाकर निकल जाते हैं, और कमर्शियल फिल्में अगर वैसे ही हिंसा दिखाए तो उनकी आलोचना की जाती है। फिल्म इंडस्ट्री के इस दोगलेपन से वो काफी दुखी हैं। खैर, इन्हीं कुछ कारणों से अंकुश को कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल नहीं हुआ था। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते साल 1986 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजित नहीं किए गए थे, नहीं तो फिल्म अंकुश अवश्य कई श्रेणियों में अवार्ड्स जीतने में कामयाब हो जाती। तो ये थी साल 1986 की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म अंकुश पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।